मैं दीपक सोगराव, जन सहारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। हम अखिल भारतीय आम जन पार्टी हमारी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम कम से कम प्रत्याशी 70 से 80 प्रत्याशी को उतारेंगे। और हमारी जो हमारे जो मुद्दे हैं, असली महिलाओं पर जो अत्याचार है, एक उस पर हम क्या कानून बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है नवयुवक के साथ, जो नौजवानों के साथ जो क्या कहते हैं बेरोजगार है, बेरोज और आर्थिक स्थिति खराब है, उसको ध्यान देते हुए उस पर करेंगे। ये हमारी क्या कहते हैं हमारी पार्टी की विचारधारा रहेगी। और सबसे बड़ी, हमने जो पार्टी बनाई हुई है, हमने शहीदों के सपनों के साकार करने के लिए बनाई हुई है, कि जो हमारे शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने जो मेहनत करी थी, आत्म बलिदान किया था, उस पर पूरा ध्यान देंगे और उनके साथ उनकी विचारधाराओं को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हमारी पार्टी की मूलधारा रहेगी और हम कम से कम 70 से 80 प्रत्याशी राजस्थान में अखिल भारतीय आम जन पार्टी के साथ गठबंधन करके उतारेंगे। किस मुद्दों को लेकर राजस्थान में आप इलेक्शन लड़ोगे? सबसे पहले हम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है पर दिन प्रतिदिन, और उनके जो क्या कानून बनवाने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर अपना युवाओं के साथ, जो युवाओं को 5 साल से रोजगार और शिक्षा में जो क्या कहते उनको सुविधा नहीं मिली है, उस पर पूरा ध्यान देंगे। ये हमारी ज़्यादातर रहेगी। कुल मिला के पेपर लीक मामले को आप उजागर करना चाहते हैं? अभी कुछ सीटें घोषित करी हैं आपने? नहीं, हम क्या है सीट शाम तक क्लियर करेंगे कितनी सीटें, पर हम कम से कम 70 से 80 सीटें पर चुनाव प्रत्याशी उठा रहे हैं।